खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गौर 89 साल के हैं। इस लिहाज से वो बीजेपी के 75 पार के पैमाने पर दूर दूर तक फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन गौर साहब खुद को सुटेबल बता रहे हैं। वो भोपाल लोकसभा सीट से अपना दावा जता रहे हैं और जल्द ही पार्टी हाईकमान से बात करने वाले हैं। गौर ने बताया कि उनके कांग्रेस में जाने की अटकलों पर संगठन महामंत्री रामलाल उनकी क्लास ले चुके हैं। रामलाल ने कहा था कि ऐसे कैसे जाएंगे। बाबूलाल गौर अब कह रहे हैं कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन उम्मीद है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। माननीय रामलाल जी जो संगठन महामंत्री है, तो उन्होंने हमारी क्लास ले ली। क्या आप क्यों विचार कर रहे हैं हमके ऊपर? हमें आशा है कि हमारे बारे में वो भी विचार करेंगे। आपको बता दें कि बाबूलाल गौर भोपाल की गोविंदपुरा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन नवंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुत बुजुर्ग होने के कारण पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। गौर ने फ्रेशर पॉलिटिक्स की, उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें रहीं। आखिरकार पार्टी को उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट देना ही पड़ा था। बाबूलाल गौर का आत्मविश्वास तब से बढ़ा हुआ है जब विधानसभा चुनाव से पहले 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी के संकल्प रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर उनसे कहा था कि एक बार और बाबूलाल गौर। गौर को उम्मीद है कि पीएम के शब्दों पर पार्टी विचार करेगी और मुझे टिकट देगी। प्रधानमंत्री जी स्वयं उनकी बड़ी कृपा रही कि वो मंच पर मेरे पास आए। उन्होंने कहा बाबूलाल गौर एक बार हो और हाथ मिलाए, तो उनकी तो शुभकामनाएं उन्होंने उसी दिन दे दी। और अब लोकसभा चुनाव भी आ गया है, मुझे आशा है कि मुझे पार्टी लोकसभा का टिकट भोपाल से देगी। अब बाबूलाल गौर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतावले हैं। कांग्रेस नेता लगातार उनके संपर्क में हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले आरिफ अकील और परिणाम आते ही सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद जीतू पटवारी उनके घर गए थे। गौर साहब खुद भी ऐसे बयान देते रहे जिससे उनके कांग्रेस में जाने की अटकलों को बल मिलता रहा, लेकिन गौर अब खुद को लोकसभा चुनाव के लिए सुटेबल कैंडिडेट मानते हैं। गौर ने अब दिल्ली जाने के सपने भी संजो लिए हैं। उनके मुताबिक दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन यह संगठन तय करेगा कि गौर पर गौर किया जाए या फिर होल्ड किया जाए।